मॉम्स, वेलकम टू मॉम्स केयर। आई होप आप सब ठीक हो और अपने छोटे से बेबी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हो। हर माँ का एक कॉमन सवाल होता है कि आज मैं अपने बेबी को क्या खिलाऊँ, खास करके तब जब बेबी पहली बार ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ और खाने जा रहा हो। तब हर माँ के दिमाग में ये एक कॉमन सवाल होता है कि आज मैं अपनी बेबी को क्या खिलाऊँ, या फिर बेबी को पहली बार वो कौन सा खाना दूँ जो बेबी अच्छे से इंजॉय करके खा सके। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि बेबी का पहला खाना, पहला सॉलिड फूड क्या होना चाहिए। इससे पहले हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि बेबी को कब से सॉलिड फूड देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हो। तो पहले वो वीडियोस ज़रूर देखो। तो चलिए आज हम ये डिस्कस करते हैं कि बेबी का पहला जो सॉलिड फूड है वो कैसा होना चाहिए। नंबर वन, फ्रूट्स। बेबी का पहला सॉलिड फूड के लिए फ्रूट्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। फ्रूट्स को आप डिफरेंट तरीके से बेबी को ऑफर कर सकते हो। आप फ्रूट प्यूरी बना के दे सकते हो, फ्रूट जूस बना के दे सकते हो, या फिर पका हुआ जो फ्रूट्स है वो आप यूं ही पील ऑफ करके बेबी को खिला सकते हो, जैसे कि बनाना या फिर पका हुआ आम, ये सब आप इजीली बेबी को खिला सकते हो। जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं वो नरम होते हैं तो बेबी आसानी से वो खा सकता है। बनाना को आप स्लाइस करके कट करके दे सकते हो या फिर आप मैश करके बनाना बेबी को खिला सकते हो। बेबी वो इजीली खाते हैं और एंजॉय करके भी खाते हैं। आप बेबी को एप्पल बॉयल करके दे सकते हो, पीचेस दे सकते हो, ग्रेप्स दे सकते हो, नाशपाती दे सकते हो, या फिर ऑरेंज का जूस बना के दे सकते हो। तो बेबी की पहला जो सॉलिड फूड है उसके लिए फ्रूट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बेबी को आप फ्रूट्स जो है वो डिफरेंट वे में ऑफर कर सकते हो और बेबी फ्रूट्स बहुत एंजॉय करके भी खा सकता है। लेकिन हाँ, बेबी को फ्रूट्स ऑफर करते टाइम इस बात का ध्यान रखो कि जो फ्रूट्स है वो अच्छे से वॉश किया हुआ हो और अच्छे से पील ऑफ किया हुआ हो। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेबी को हमेशा नेचुरल चीज़ ही देना चाहिए। मतलब बाजार से ख़रीदा हुआ फ्रूट जूस के बजाय आप घर पे फ्रूट खरीद के ले आओ और घर पे फ्रूट जूस बना के दो। अगर आपके पास जूसर है तो वेरी गुड, आप इजीली बेबी को फ्रूट जूस बना के दे सकते हो। अगर नहीं है तो बाज़ार में आजकल बहुत ऐसी चीज़ मिलते हैं जिससे फ्रूट जूस आसानी से बेबी को बना के दिया जा सकता है। अगर आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं है तो सिंपल आप एक कॉटन का कपड़ा लो, उसमें आप फ्रूट्स की स्लाइसेस दो और अच्छे से निचोड़ के बेबी के लिए फ्रूट जूस बनाओ। ये एक नेचुरल वे है फ्रूट जूस बनाने के लिए। लेकिन बाजार से खरीदा हुआ फ्रूट जूस जो है वो बेबी के लिए थोड़ा अवॉइड करना ही बेस्ट है। आप बेबी को नेचुरल वे में फ्रूट जूस बना के दो जो बेबी अच्छे से इंजॉय करके भी खाएगा और वो बेबी की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नंबर टू, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को भी आप डिफरेंट वे में बेबी को दे सकते हो। वेज प्यूरी बना के दे सकते हो, वेज सूप बना के दे सकते हो, या फिर वेज को आप बॉयल करके मैश करके बेबी को खिला सकते हो। जैसे कि स्वीट पटाटोस जो है उसे आप बॉयल करके मैश करके बेबी को दे सकते हो, व्हाइट पटाटोज़ को आप बॉयल करके मैश करके बेबी को दे सकते हो, या फिर आप वेजिटेबल्स का एक सूप बना के बेबी को पिला सकते हो। वेजिटेबल्स बहुत अच्छा होता है बेबी की हेल्थ के लिए। तो वेजिटेबल्स को भी आप डिफरेंट तरीके से बेबी को ऑफर कर सकते हो, बेबी खाएगा भी एंजॉय भी करेगा। तो इसलिए वेजिटेबल्स को भी आप अपने बेबी की फर्स्ट फूड के लिस्ट में ऐड कर सकते हो। लेकिन हाँ, वेजिटेबल्स को भी बेबी को ऑफर करने से पहले अच्छे से वॉश करना, पील ऑफ करना और अच्छे से कुक करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नरम हो जाए और बेबी अच्छे से उसे एंजॉय करके खा सके। नंबर थ्री, नॉन वेज। चिकन, फिश, ये सब भी आप अपने बेबी को दे सकते हो। लेकिन हाँ, बेबी के लिए अगर चिकन बना रहे हो तो वो बहुत अच्छी तरह से कुक किया हुआ हो, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए ताकि बेबी वो आसानी से खा सके और डाइजेस्ट कर सके। और फिश को भी आप अच्छे से कुक करके ही बेबी को खिलाओ। लेकिन हाँ, फिश या चिकन जो भी आप अपनी बेबी को खिला रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बेबी को खिलाना चाहिए। एक छोटा सा बोन का टुकड़ा भी बेबी की चिकन में या फिर फिश में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप अपनी बेबी को चिकन या फिश खिलाना चाहते हो तो वो प्रॉपरली अच्छे से चेक करो, दो या तीन बार चेक करो कि उसमें कोई बोन का टुकड़ा तो नहीं रह गया। क्योंकि अगर छोटा सा बोन का टुकड़ा भी रह गया तो बेबी की वो गले में अटक सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा ध्यान से खिलाओगे तो बेबी के लिए चिकन या फिश भी आप अपनी बेबी की फर्स्ट सॉलिड फूड की लिस्ट में ऐड कर सकते हो।
नंबर 4 ग्रेन्स एंड सीरियल्स। सीरियल्स भी आपकी बेबी की फास्ट फूड हो सकती है। राइस बेबी की फास्ट फूड के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बेबी का जो फास्ट फूड है वो ऐसा होना चाहिए जो बेबी आसानी से खा भी सके और डाइजेस्ट भी कर सके। तो आप अगर अपनी बेबी का पहला जो सॉलिड फूड है वो सीरियल से शुरू करना चाहते हो तो पिक अ सिंगल ग्रेन वैरायटी। थोड़ा सा सीरियल लो, उसे ब्रेस्ट मिल्क के साथ मिला के या फिर फॉर्मूला मिल्क के साथ मिला के या फिर थोड़ा सा पानी मिला के उसे सूप की तरह बनाओ और बेबी को खिला दो। इससे बेबी आसानी से खा भी सकता है, बेबी आसानी से डाइजेस्ट भी कर सकता है, बेबी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, वो खाने को एंजॉय भी करेगा। तो आप अपनी बेबी की फर्स्ट सॉलिड फूड के लिस्ट में सीरियल या ग्रेन्स को भी ऐड कर सकते हो। बेबी को फर्स्ट टाइम सॉलिड फूड देने के वक्त कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है जो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि नंबर 1, बेबी का जो खाना है वो आप खुद बनाओ। जितने प्यार से, जितने हाइजीन मेंटेन करके आप अपने बेबी के लिए खाना बनाओगे, उतने प्यार से, उतनी हाइजीन मेंटेन करके कोई और नहीं बनाएगा। आप अपने बेबी के खाने में कितना इंग्रेडिएंट्स डालोगे, कितनी क्वांटिटी में कौन सा इंग्रेडिएंट्स डालोगे, कितने टाइम तक उसे कुक करोगे, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए कोशिश करो कि आप अपनी बेबी का खाना खुद बनाओ। लेकिन हाँ, अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप बाहर काम करते हो और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपनी बेबी के लिए खाना बनाने का, तो जिसको भी आपने अपनी बेबी के लिए खाना बनाने के लिए रखा है उसे अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे दो कि वो आपके बेबी का खाना अच्छी तरह से हाइजीन मेंटेन करके ही बनाए। कोशिश करो कि बेबी का वन टाइम का खाना आप अपने हाथों से ही बनाओ और आप खुद अपने हाथों से ही बेबी को खिलाओ। इससे आपकी और आपकी बेबी का जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा बेहतर होगा और आप खुद वो देख पाओगे कि आपका बेबी कितने इंजॉय करके वो खाना खा रहा है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि वन टाइम का खाना कम से कम आप ही बनाओ। नंबर 2, पहले बेबी को स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ऑफर करो, मतलब थोड़ा कम करके दो। बेबी अभी छोटा है, वो कितना खाएगा, तो थोड़ा सा कम करके ही पहले बेबी को दो। इससे क्या होगा कि बेबी का जो खाना है वो वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए बेबी को पहले थोड़ा कम करके ही खाना दो। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से ले आओ और फिर से खिलाओ बेबी को, लेकिन हाँ, पहले जो है वो बेबी को थोड़ा कम करके ही खाना दो ताकि खाना वेस्ट ना हो जाए। नंबर 3, बेबी को खाने के साथ कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बेबी को जब भी आप खाना ऑफर करो, या तो आप खुद बैठे रहो या फिर किसी और को बिठा के रखो बेबी के पास, लेकिन बेबी को खाने के साथ अकेले मत छोड़ो, क्योंकि बेबी खाने को गिरा सकता है। अगर खाना गर्म है, गलती से बेबी ने हाथ दे दिया तो बेबी की हाथ जल सकता है, या फिर बहुत सारा खाना अगर बेबी ने अपने मुँह में डाल लिया तो बेबी के गले में जाके अटक सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए छोटे से बेबी को कभी भी खाने के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। या तो आप बैठे रहो या फिर किसी और को बिठा के रखो बेबी जब खाना खा रहा हो तो। नंबर 4, बेबी को सॉलिड फूड हमेशा आफ्टर 6 मंथ ही देना चाहिए, वही बेस्ट है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ ही बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेडी होता है सॉलिड फूड के लिए। तो इसलिए बेबी को सॉलिड फूड देने के लिए कम से कम 6 महीने तो वेट कर लेना ही चाहिए। लेकिन हाँ, बेबी को हनी या फिर काउ मिल्क देने के लिए कम से कम 1 ईयर तक वेट करना चाहिए। 1 ईयर से पहले बेबी को हनी या काउ मिल्क नहीं देना चाहिए। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपनी बेबी को अगर पहली बार सॉलिड फूड दे रहे हो तो क्या क्या देना चाहिए या फिर कैसे देना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी बेबी को दे सकते हो पहला सॉलिड फूड के हिसाब से। लेकिन हाँ, ये छोटा सा आइडिया है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप अपनी बेबी को पहली बार सॉलिड फूड देते टाइम क्या क्या दे सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, थोड़ा हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने में। तो इसलिए अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर पहली बार मॉम्स केयर को देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और सबके साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।